हाँ तो प्यारे दोस्तों नमस्ते। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो सीरीज अपन पढ़ रहे हैं वीडियोस की, ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ये पार्ट थोड़ा खतरनाक है, मैं फिर बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ध्यान से आज का लेक्चर भी जो है आखिरी तक देखना है, और साथ ही साथ इस पार्ट को अपने आप से भी एक दो बार पढ़ना है। तो मैं देखो बोर्ड खाली लेकर के एकदम आपके सामने आया हूँ। उसका कारण बस यही है कि बस जो मैं बता रहा हूँ वो नोटिस करो और उसको लिखते चलो। तो यहाँ पर देखोगे आप सबसे पहले कि हमने लास्ट क्लास में जो मटर के पौधों पर लंबाई वाला जो मेडल का प्रयोग था, तो उसमें हमने वहाँ F2PD प्राप्त की थी, और F2PD में हमें जो अंत में जो पौधे मिले थे वो कौन से थे? हमें मिले थे कुछ इस तरह से, शुद्ध लंबे मिले थे, फिर उसके बाद हमें इस तरह से दो पौधे मिले थे तो ये भी लंबे, और फिर हमें शुद्ध बौने भी मिले थे। तो देखो इनको हम लोग क्या कहते हैं, संकर लंबे। संकर लंबे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दिखने में तो लंबे हैं, ठीक है। संकर शब्द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये संकरण से मिले हैं। बहुत सिंपल सी बात है ना, क्योंकि ये संकरण से मिले हैं इसलिए संकर लंबे हो गए। और यहां पर देखो कि ये कौन से हैं, शुद्ध लंबे हैं, ठीक है। और ये वाले कौन से थे हमारे पास में, शुद्ध बौने पौधे। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ध्यान देना यहां पर, बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना। देखो हुआ क्या कि जब F1PD मेंडल को मिली, तो आपको याद होगा कि F1PD में सारे के सारे जो थे ना, कैसे मिले? इस तरह के, और बाहर से देखने में सारे के सारे कैसे थे? लंबे। तो मेंडल का यार दिमाग खराब हो गया। मेंडल ने सोचा ये जो बौना वाला जो गुण था, बौनेपन वाला जो गुण था, वो कहां गया, वो कहां गायब हो गया। बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है, गायब कैसे हो सकता है। तो फिर मेंडल ने वापस से F2PD प्राप्त की इन पौधों के, क्या कराने से? परागण से, स्वपरागण करा करके, निषेचन से F2PD प्राप्त की। अच्छा ठीक है, तो F2PD में फिर हमें ये दिखा। तो मेंडल को यहाँ पे क्या, उनकी आत्मा को थोड़ी शांति मिली कि अरे नहीं 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 नहीं, ये जो बौनेपन वाला जो लक्षण था ना, वो गायब नहीं हुआ था, लेकिन हाँ वो कुछ समय के लिए छुप गया था। अब छुपा क्यों था? तो इसलिए, तो उसका हमने एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में समझा था, प्रभावी लक्षण वाला और अप्रभावी लक्षण वाला, कि जो कैपिटल टी है या यहाँ पर जो लंबापन है, ये क्या है? एक प्रभावी लक्षण है। और जो स्मॉल टी है यहाँ पर, वो क्या है? एक अप्रभावी लक्षण है। क्लियर हो ये बात? अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यार देखो मेंडल क्या कर रहा है, पौधों पर प्रयोग कर रहा है, और उससे कुछ रोल बनाने की बात कर रहा है, नियम बनाने की बात कर रहा है। अब वो वही नियम हम इंसानों पे भी लगा सकते हैं, लागू कर सकते हैं। आप बोलोगे अच्छा सर कैसे, दिखाओ। तो देखो अपनी NCERT में एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण क्या दे रखा है कि दो तरह की कर्णपाली होती है हमारे पास में। कर्णपाली मतलब क्या, जैसे जो हमारा कान है ना, वो ये जो बाहर का, ये जो हमारे पास में ये कान है, बाह्य कर्ण जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर, इसमें ये जो कर्णपाली है ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये एक तो क्या होता है, लोगों का चिपका हुआ होता है, और एक होता है ऐसे खुला हुआ, जैसे कि मेरा है यहाँ पे, ईयर लोब इसको बोलते हैं या कर्णपाली बोलते हैं। तो मान लो कि ये एक कर्णपाली का गुण है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि दो तरह की कर्णपाली होती है। तो ऐसे समझते हैं चलो अपन कि जैसे अपने माता पिता हैं, तो मान लो कि मम्मी की बॉडी से जो हमारे पास आ रहे हैं, मम्मी के पास में कौन सी कर्णपाली है, मान लो मम्मी के पास में कैपिटल ई है, और पापा के पास में मान लो कौन सी है कर्णपाली, स्मॉल ई, ठीक है। तो ये उनके शरीर में ये गुण इस तरह से संचित है। मतलब क्या होगा कि उनके शरीर में भी क्या होगा, कोई ना कोई इस तरह से, मान लो जो डी हमारे पास में क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्स के अंदर जो DNA है, या अगर हम कहें कि कोई ना कोई जीन है, भाई 23 जोड़े हैं हमारे पास में इस तरह से, ठीक है। तो उनमें से मान लो किसी एक में यहाँ वाला जो है ना, ये वाला जो जीन है, ये क्या निर्धारित कर रहा है, कर्णपाली का, कि खुली होगी कि बंद होगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि पापा के शरीर में तो क्या है, मान लो शुद्ध बंद कर्णपाली है, चिपकी हुई। यहाँ पे मम्मी के शरीर में क्या है कि शुद्ध खुली हुई है, ऐसा मान करके चल रहे हैं अपन। मतलब मान रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि ये खुला हुआ जो है इसको बड़े ही से लिख रहा हूँ मैं, और मैं मान करके चल रहा हूँ कि छोटा वाला जो है उसको बंद बोल रहे हैं। आप कोई भी ऐसे सटीक मत ढूंढने लग जाना कि नहीं नहीं सर वो वाला तो प्रभावी होता है और वो वाला अप्रभावी होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, उदाहरण समझना आपको बस, ठीक है। तो ये दो दो जो है इन्फॉर्मेशन
उनके शरीर में है, मम्मी के भी शरीर में दो सूचनाएं हैं क्योंकि इधर भी और इधर भी, और पापा के शरीर में भी दो सूचनाएं इधर भी और इधर भी है। तो अच्छा, अब क्या होगा कि जो स्पर्म सेल है पिताजी के शरीर में, शुक्राणु जो है, और माताजी के शरीर में जो अंड कोशिका है या एग सेल जो है, वो बनेगा जब, उसको क्या बोला था अपन ने, युग्मक। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, युग्मक। तो माता पिता के शरीर में पहले क्या बन रहे हैं, युग्मक बन रहे हैं। तो वो युग्मक के अंदर क्या होंगे, ये हैं बहुत सारे, क्या होंगे ये अलग हो करके, मतलब ये वाला एक अलग हो जाएगा और ये वाला एक अलग हो जाएगा, किसके अंदर, युग्मक में। अच्छा, यहाँ पे युग्मक कौन सा, मैं आपको फिर बना के दिखाता हूँ छोटा सा, यहाँ पे कि यहाँ पे स्पर्म सेल होगा और यहाँ पे अंड कोशिका होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, देखना ध्यान से देखना। मान लो किसी एक स्पर्म सेल में तो है छोटा ई ऐसे अलग हो गया, और किसी और दूसरे स्पर्म सेल में भी छोटा ई अलग हो गया, और यहां पर भी आप क्या देखोगे, क्या है हमारे पास में, कि किसी एक स्पर्म सेल में मान लो क्या हो जाएगा, बड़ा ई जो है अलग हो जाएगा, और यहां पे भी बड़ा ई जो है अलग हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो अब हमें क्या मिलेगी, यहां पर एफ वन पीढ़ी मिलेगी। तो एफ वन पीढ़ी में हम लोग क्या देखने को मिलता है हमें, मैं सीधे ही लिख रहा हूँ क्योंकि चारों के चारों कॉम्बिनेशन से ही नहीं बनेंगे, मतलब यहाँ से बड़ा ई ही आ सकता है और यहाँ से केवल छोटा ई ही आ सकता है, और कुछ तो आ ही नहीं सकता है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो बच्चे हैं, फिर वो भली मान लो पांच बच्चे पैदा हो रहे हैं कि छह बच्चे पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे तो यही संभावना है कि उनके अंदर जो गुणसूत्रों की सूचना होगी वो इस प्रकार की होगी। और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि कैपिटल ई जो है वो कैसा है, प्रभावी लक्षण है, और जो छोटा ई है वो कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। तो सारे बच्चों की जो कान की ये जो पाली है, कर्ण पाली है, जो ईयर लोब है, ये कैसा आएगा, खुला आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रभावी लक्षण है उसको हम मान रहे हैं कि वो कौन सा है, खुली कर्ण पाली या ओपन एयर लोब कर्ण पाली। आई बात समझ में सबको? लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये जो बंद कर्ण पाली है ये गुण गायब ही हो जाएगा? एक चीज में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर आपने तीर तो बनाई नहीं, वो आप बना सकते हो, इसको अगर इससे जोड़ोगे तो भी यही मिलेगा, इसको अगर इससे जोड़ोगे तो भी यही मिलेगा, इसको अगर इससे जोड़ोगे तो भी यही मिलेगा, इसको अगर इससे जोड़ोगे तो भी यही मिलेगा। तो मैंने चार बार नहीं लिखा, मैंने एक बार लिख दिया। मान लो चार बच्चे, चारों के सेम है, तो मैंने एक बार लिखा, ये मान के चलो। अच्छा, अब क्या होगा, अब मान लो कि ऐसे कोई दो बच्चे हैं, जैसे मान लो एक व्यक्ति है ये वाला और एक और सेम व्यक्ति है, और उस व्यक्ति में भी क्या है, सेम जानकारी है, बड़ाई छोटाई, बड़ाई छोटाई। ये जो व्यक्ति है मान लो किसी और परिवार से आ रहा है, किसी और देश से आ रहा है, लेकिन उसके अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, बड़ाई और छोटाई कर्ण पाली को लेकर के, और इसकी भी कर्ण पाली जो है दिखने में कैसी, खुली कर्ण पाली। तो अब क्या होगा कि F1 पीढ़ी के बाद वापस से हम भविष्य में जब ये दो लोग शादी करेंगे, मान लो ये बाहर से आया कहीं से, ये एक व्यक्ति है तो एक लड़का है एक लड़की है, फिर से मान लीजिए ये दोनों जब शादी करेंगे, इन दोनों के जब क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, तो उन युग्मक में फिर ये जानकारी फिर अलग होगी, फिर हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो एक बार अपन फटाफट से F2 पीढ़ी प्राप्त करके देखते हैं। देखो इनका क्या होगा, वापस से युग्मक निर्माण होगा। यहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, युग्मक निर्माण होगा कैसे होगा, देखो कि यहां पर आप देखोगे क्या जानकारी मिल रही है, ई अलग हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा, बड़ा ई अलग हो जाएगा, छोटा ई अलग हो जाएगा। अब इनसे युग्मक का क्या होगा, जब वो निषेचन होगा, जब जुड़ेंगे स्पर्म सेल और अंड कोशिका जब जुड़ेंगे, तो क्या होगा, एक संभावना तो क्या हो सकती है, ये F2 PD यहाँ पर लिख देते हैं अपन। तो अब एक संभावना क्या हो सकती है कि मान लो ये और ये मिल जाए तो क्या बनेगा, बड़ाई बड़ाई। एक संभावना क्या हो सकती है कि ये जो है ये इससे मिल जाए तो क्या होगा, ये मिलेगा बड़ाई छोटाई। सेम अगर आप यहाँ देखोगे, एक संभावना क्या है कि छोटा ई जो है बड़े ई से मिल जाए तो क्या बनेगा, बड़ाई छोटाई। एक और संभावना क्या हो सकती है, छोटा ई छोटे ई से अगर मिल जाए तो क्या बनेगा, छोटा ई छोटा ई। तो अब हम यहाँ क्या नोटिस करेंगे, देखना। तो यहाँ पर फिर वही मेंडल के प्रयोग वाली बात आ गई कि ये वाला जो व्यक्ति है ये तो शुद्ध खुली कर्ण पाली वाला व्यक्ति है, कि इसके पास तो कर्ण पाली बंद होने वाला कोई गुण ही नहीं है,
ये दोनों जो हैं इनकी भी कर्णपाली खुली तो हुई है लेकिन शुद्ध नहीं है, संकर खुली कर्णपाली इसको अपन कह सकते हैं। समझ आई आपको बात? जो छोटा ही वाला व्यक्ति है इसके पास क्या सीन हो गया कि इसके पास खुली कर्णपाली का कोई सीन ही नहीं है, इसकी कैसी है, मान लो कर्णपाली जो है बंद है ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। तो यहां पर ये पूरी की पूरी बात जो है हम जोड़ पा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा करके समझो तो। एक बात पता है आपके मन में शायद हो सकता है, एक और प्रश्न हो सकता है कि सर आपने इन दोनों को आपस में क्यों नहीं जोड़ा, इसको और इसको, या आपके मन में हो सकता है कि सर इन दोनों को आपस में क्यों नहीं जोड़ करके देख रहे। अरे लॉजिक लगाओ यार भाई, जो मान लो लड़की के शरीर से अंडकोशिका आ रही है वो जाकर के लड़के के शरीर से आने वाले शुक्राणु से मिलेगी ना, स्पर्म सेल एग सेल से मिलेगा, कि स्पर्म सेल खुद से मिलकर के बच्चा पैदा कर लेंगे। ऐसा लॉजिक मत लगाने बैठ जाना कि सर इन दोनों को तो जोड़ के ही नहीं देखा, आप तो इसको और इसको क्यों ले रहे हो, पेयर तो बनता ही नहीं है, हमसे तो ऐसा जोड़ा ही नहीं बनता। तो मैं उसी लिए आपको कह रहा हूं कि आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब हम जो है अगर आप इतना समझे हो ना तो यहां से अपनी बात को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। यहां ध्यान से समझो, हमें कंटिन्यू यहीं से करना है। ये तो केवल मैंने आपको इसलिए बताया कि देखो मेंडल क्या सोच रहा है, मेंडल क्या चाह रहा है। हम देखेंगे यहां पर क्या दो शब्द हैं हमारे पास में, एक तो है जीनोटाइप अनुपात और एक और शब्द है हमारे पास में फीनोटाइप अनुपात। तो पहले अपन एक काम करते हैं, शुरू करते हैं फीनोटाइप अनुपात से। फीनोटाइप अनुपात में आपको फीनोटाइप शब्द का मतलब तो पहले भी बता चुका हूं लेकिन मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, और अपने को बहुत ज्यादा कोई खतरनाक परिभाषा याद नहीं रखनी दसवीं क्लास में, ग्यारहवीं बारहवीं में अगर बायो लोगे तो पढ़ोगे ही वैसे भी, लेकिन ऊपर ऊपर से समझो क्या है। फीनोपी लिखा हुआ है ना, तो इसको इंग्लिश में भी फीनोटाइप ही बोलते हैं, हिंदी में मैंने आपको इसका नाम भी बताया था लेकिन इन जनरल हिंदी में भी हम इसको जीनोटाइप फीनोटाइप ही बोलते हैं। फीनो शुरू कहां से हो रहा है, शब्द पी से हो रहा है, आप ये याद रखो। तो आप यूं रखो पी से फिजिकल, फिजिकल मतलब क्या होता है बाहर का, कि भाई बाहर से कैसा दिख रहा है। तो जैसे आपको यहां पर एफ टू जनरेशन में जो पौधे मिले, एफ वन जनरेशन को भी मैं मिटा रहा हूं, इसका भी कोई अपने को अभी कुछ खास नहीं समझना इसमें से, तो एफ टू जनरेशन पे ही समझना है। एफ टू जनरेशन का हमें एग्जाम में पूछा जाता है फीनोटाइप अनुपात या जीनोटाइप अनुपात हमसे पूछा जाता है, किसमें, एक संकर संकरण में। हमने जो पढ़ा था अभी संकरण ये कौन सा है, एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहां पर भी इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, क्यों, क्योंकि समझना ये दो इंसान हैं, दोनों शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करके। तो क्या केवल कान का गुण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है? नहीं, कितने सारे गुण है यार, आंख का कलर हो गया, हाथ हो गए, अंगुलियों की संख्या हो गई, बाल कहाँ आएंगे कहाँ नहीं आएंगे, कितने गुण हो गए, गिनने बैठ जाओ पागल हो जाओगे। लेकिन हम केवल एक गुण को ध्यान में रखते हुए, एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं और उस क्रॉस का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको मोनोहाइब्रिड संकरण बोलेंगे या एक संकर संकरण, आई बात समझ में। और यहां पर भी ये एक संकर संकरण है, खैर इसके बाद में जो है हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ना है, मतलब द्वि संकर संकरण भी पढ़ना है, जो कि बहुत खतरनाक टॉपिक है। तो पहले आप इसको एक चीज को समझ लो ध्यान से। तो ये जो फीनोटाइप का अनुपात है किसके लिए देख रहे हैं, एफ टू जनरेशन के लिए, कब, जब हमने एक संकर संकरण के बारे में पढ़ा हो। अच्छा ठीक है, देखो तो फीनोटाइप अनुपात बाहर से दिखने में कैसे हैं, तो बाहर से दिखने में मेरे को बस केवल क्या दिख रहा है कि या तो जो पौधा है वो लंबे हैं और या फिर जो पौधे हैं वो कैसे हैं, बौने हैं। बस मेरे को बाहर से तो ये दिखेगा, बाहर से ये थोड़ी दिखेगा कि कैपिटल टी है कि कैपिटल टी है अंदर, या स्मॉल टी है कि स्मॉल टी है, मतलब बाहर से मेरे को उसका डीएनए या उसका जीन थोड़ी दिखेगा, बाहर से तो बस मेरे को लंबा बौना दिखेगा। तो यहां पर लंबे तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों लंबे हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा कि लंबे कितने हैं तीन, बौने कितने हैं, तो मैं कहा यार बौना तो फिर एक ही है, लिख दिया एक। तो ये फीनोटाइप अनुपात मेंडल ने कहा कि एफ टू जनरेशन में जो प्रभावी लक्षण है वो वाले कितने मिल रहे हैं, लगभग हमें 75%, और जो अप्रभावी लक्षण को धारण करने वाले हैं वो कितने मिल रहे हैं हमें, 25%। और F1 जनरेशन में अगर हम देखें तो हमें सारे के सारे कैसे मिल रहे हैं, प्रभावी लक्षण को धारण करने वाले। अच्छा अब फीनोटाइप, सॉरी अब जीनोटाइप क्या है,
तो देखो जीनोटाइप में आगे वाला शब्द क्या है, जीन है ना, जीन लिखा हुआ है, तो वो जीन वही जीन है जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। तो जीनोटाइप मतलब क्या कह रहे हैं कि बाहर का नहीं, जो अंदर का जो अनुवंशिक सामग्री है, जो जीन है जो किसी विशेष गुण को जो है निर्धारित कर रहा है, उसका जो अनुपात है वो क्या है वो बताओ। अच्छा क्या कहने का मतलब है मेरा, देखो ध्यान से देखना, इसका मैं जीनोटाइप मान लो यहां लिखता हूं, तो मैं देखता हूं कि शुद्ध लंबे हैं मेरे पास में, ठीक है शुद्ध लंबे मेरे पास, और क्या है अनुपात में, संकर लंबे, और मेरे पास में क्या है, शुद्ध बौने। ये है मेरे पास भाई, बाहर से देखने में तो यहां लंबा है या बौना है, लेकिन अंदर से उसका जीन देखने पर तो मेरे पास थोड़ी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो बदल जाती है। तो इसका हल क्या मिल रहा है मेरे को, शुद्ध लंबे मतलब कितने हैं, एक, संकर लंबे कितने हैं, दो, शुद्ध बौने कितने हैं, एक। सिंपल भाई, भले ही ये भी लंबे हैं और भले ही ये भी लंबा, लेकिन फर्क तो है ना भाई। आप भी दसवीं में हो, आपका दोस्त भी दसवीं में, लेकिन क्या दोनों सेम हो, नहीं, फर्क है ना। तो फर्क है, तो वो फर्क अगर अंदर का भी है तो वो किस में आ जाता है, जीनोटाइप में आ जाता है। और वही फर्क किसका है, अगर बाहर बाहर से देखने की बात है तो वो केवल क्या है, फिनोटाइप अनुपात। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं उतना बहुत इनफ है, मतलब काफी है इतना जानना आपके लिए। तो अगर ये आपको क्लियर हुआ है, अगर मान लो नहीं क्लियर हुआ तो वापस देखना वीडियो, और अब अगर क्लियर है तो मैं इसको मिटा रहा हूं और अपन द्वि संकर संकरण की बात करते हैं, मैं बताता हूं वो भी क्या होता है। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं द्वि संकर संकरण, या जिसको बोलते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो नाम से ही मतलब क्लियर हो जाता है, डाई का मतलब है दो, या द्वि लिखा है हिंदी में अपन ने वैसे भी, तो द्वि संकर संकरण, और संकर का मतलब एक तरह से होता है संतान, और संकरण का मतलब होता है क्रॉस, मतलब दो अलग अलग तरह के हमारे पास में पौधे हैं, मतलब पौधे हैं तो एक ही जाति के, लेकिन उनके गुण थोड़े अलग अलग हैं और उनके बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, मतलब उनसे नया बच्चा पैदा करवा रहे हैं। तो वो कैसा होगा उसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो दो जब गुणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम दो संकरण संकरण कह रहे हैं, दो संकर संकरण, द्वि संकर संकरण। ठीक है, तो यहां दो गुणधर्म या दो लक्षण जो है वो कौन से ले रहे हैं हम लोग, पहला लक्षण ले रहे हैं आकार का, कि उसका आकार कैसा है, और दूसरा लक्षण ले रहे हैं कि उसका रंग कैसा है। जैसे समझना, आप बैठे हो जहां पर भी, उत्तराखंड, जम्मू, हरियाणा, पंजाब, कहाँ और यार, यूपी है नो, राजस्थान, नहीं राजस्थान में तो मैं हूँ, बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो, कहीं पर भी हो, तो मान लो ये वाला पौधा आपके वहां उग रहा है, और उसमें क्या लक्षण है मटर के दाने के, जो दाना है मटर का, कि दाना एकदम गोल होता है, पहला लक्षण, और दूसरा लक्षण जो रंग का है वो कैसा है, कि उसका दाना हरा होता है। हमारे यहाँ मान लो जो मेरे यहाँ पे अजमेर में पौधा उगता है, उसमें आकार का तो गुणधर्म क्या है कि वो उसका जो दाने का आकार है वो झुर्री वाला, ऐसे लाइन 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 है, और जो दूसरा उसमें गुणधर्म है वो है कि उसका रंग कैसा है, येलो कलर का है, वो पीले कलर का है। क्लियर हुई आपको ये बात? तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, जब हम इनका क्रॉस कराएंगे, तो मान लो जैसे कि अगर आप और क्लैरिटी चाहते हो कि इसका हमने नर जननांग वाला भाग लिया है और इसका हमने मादा जननांग वाला भाग लिया है, सॉरी ये नर में ऐसे नहीं बनाना अपने को, नर में ऐसे बनाना है इसको, तो नर जननांग वाला भाग लिया है अपन ने यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो इसका जो है, इस पौधे का जो पोलन ग्रेन है, या जिसको हम लोग पराग कर्ण बोलते हैं, वो ये वाली जानकारी को आगे लेकर जाएगा, लेकिन हाँ मतलब उसमें क्या होगा, पहले युग्मक का निर्माण होगा या उस पराग कर्ण का निर्माण होगा। तो जब उस कर्ण का निर्माण होगा तो ये जानकारी आधी हो जाएगी, जैसा कि अपन अब तक करते आए हैं। तो आधी जानकारी का क्या मतलब है, ऐसे R अलग हो जाएगा, R अलग हो जाएगा, Y अलग हो जाएगा, Y अलग हो जाएगा, ऐसे आप बोलोगे ना कि ये ऐसे हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, सही बात है? नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, समझना भाई। जितनी जानकारी कुल है ना, इसकी आधी होगी, मतलब क्या, एक हमारे पास में यहाँ पर बनेगा बड़ा आर छोटा वाय, एक और बड़ा आर छोटा वाय, यहाँ पर छोटा आर बड़ा वाय,
छोटा आर बड़ा वाई। एक मतलब समझो पराकर्ण में ये जाएगा, एक पराकर्ण में ये जाएगा, एक पराकर्ण में यहां से ये जाएगा। पराकर्ण क्या, जो अंडकोशिका रहेगी वहां पे, उसमें एक में ये रहेगा और एक में ये रहेगा। आपके मन में अब क्या गफलत हो सकती है कि सर आप यूं क्यों नहीं लिखे, या आपने इसको क्यों नहीं लिखा, या यहां पर बड़ा हुआ और छोटा छोटा क्यों नहीं लिखा। अक्कल लगाओ कि ये जो जानकारी है ये युग्मक कहां ले जा रहा है, अगली पीढ़ी में लेके जा रहा है। तो क्या युग्मक केवल गोलाई की जानकारी आगे लेके जाएगा, या क्या केवल वो हरे रंग की जानकारी आगे लेकर के जाएगा? क्योंकि केवल गोलाई के लिए जाएगा तो रंग की आगे नहीं जाएगी ना मेरे दोस्त, और अगर केवल हरे कलर की जानकारी आगे ले जाएगा तो गोलाई की नहीं जाएगी, तो ये दोनों ही नहीं बनेंगे। इस तरह से जो है ये जानकारी आधी आधी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब आधी आधी हो गई और यहां पर भी हो गई, तो पहले मैं आपका थोड़ा काम आसान कर देता हूं भाई। इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इसको आप इससे मिलाओगे, इसको आप इससे मिलाओगे, इसको आप इससे मिलाओगे, इसको आप इससे मिलाओगे, लेकिन आपको एक ही तरह का आंसर मिलेगा। और वो क्या है, क्या देखो यहाँ पे आपको जो F1 PD यहाँ जो मैंने लिखा है उसमें एक ही सदस्य मिलेगा यहाँ पे, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। देख लो भैया, इसको मान लो अपने इससे मिलाया है, तो बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, तो क्योंकि सब कुछ सेम ही मिलेगा तो इसको हटाओ अभी। मैं मान रहा हूँ कि हमारे पास जो दाने हमें मिलेंगे वो बहुत सारे होंगे, या जो नए पौधे हमें मिल रहे हैं, मान लो 100 पौधे मिल रहे हैं, लेकिन वो 100 के 100 आपको ऐसे ही दिखेंगे, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, F1 पीढ़ी मिल गई। अच्छा ये सारे कैसे होंगे, ये सारे देखना, बड़ा आर है, बड़ा हमने लिखा है तो इसका मतलब वो जो गुण है वो कैसा है, प्रभावी गुणधर्म है। तो ये कैसा होगा, गोलाकार होगा, गोल होगा, और यहाँ पे बड़ा वाई यहाँ है, मतलब जो पीला कलर है ना ये येल्लो, वाई येल्लो के लिए, तो जो पीला कलर है वो प्रभावी गुणधर्म है। तो ये कैसा होगा, गोल पीला, दिखने में तो कैसा होगा, गोल पीला बीज, ठीक है, इसको हम संकर भी कह सकते हैं, संकर गोल पीला। अच्छा अब ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे F2 जनरेशन निकालने के लिए। ये वाला एग्जांपल किताब में दे रखा है, लेकिन उन्होंने उदाहरण जो लिखा है ना किताब में, वो लिखा है कि मान लीजिए हम लंबे और गोल को ले लें, भाई दो कोई से भी लक्षण लेने ना आपको साथ में, तो आप मान लो कैपिटल टी वाला ले लो साथ में, और साथ में मान लो आप भले उसमें स्मॉल वाई जोड़ दो, हरा रंग जोड़ दो, और इस तरफ आप भले आर की जगह मान लो छोटा टी लिख दो, और बड़ा वाई लिख दो हो गए गुणधर्म। आपको दो कोई से भी गुणधर्म लेने हैं, आप फ्री हो उसके लिए, लेकिन जो किताब में चित्र बना रखा है साइड में तो उसमें यही चीज समझा रखी है, तो मैं आपको यही समझा रहा हूं। अब क्या होगा कि मान लो एक और हम ऐसा ही जो है प्राणी लेते हैं, एक और ऐसा ही पादप लेते हैं, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, मतलब दो पौधे ऐसे लिए और उनके बीच में हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, स्वपरागण कर, खुद से होने है, खुद बच्चे पैदा करो, ऐसे बोल दिया मान लो। अच्छा ठीक है, तो अब सबसे पहले फिर क्या होगा, F1 PD से हमें क्या प्राप्त होंगे, युग्मक प्राप्त होंगे, या गैमीट जिसको हम कह रहे हैं, इसमें मुझे और आपको कोई डाउट नहीं है। ये जो गैमीट्स हैं, ध्यान दो, ये गैमीट्स हमें मिलेंगे कुछ इस तरह से, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, ये फिर से कैसे हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब यही सारा ट्रिक है, यही सारा पेंच है, बहुत ध्यान से देखना इस पॉइंट को, कि इससे जो हमें युग्मक मिल रहा है सेम इससे मिलेंगे, तो पहले एक से समझो कि इससे हमें क्या क्या मिल रहा है। तो इससे हमें एक तो मिलेगा बड़ा आर बड़े वाय के साथ में, एक हमें मिलेगा बड़ा आर छोटे वाय के साथ में, एक और क्या मिल सकता है, छोटा आर मिल सकता है बड़े वाय के साथ में। भाई एक बात क्लियर है, एक आर होगा एक वाय होगा, और एक और हमें क्या मिल सकता है यहां पे, छोटा आर छोटे वाय के साथ में। देखो आई बात समझ में, तो चार तरह की जानकारी जो है यहां पर संभव है, और यही चार तरह की जानकारी हमें यहां भी मिलेगी, और अब हमें इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन जोड़ करके,
आप वो शायद पढ़े हैं, पता नहीं आप 11वीं में शायद गणित में पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, या क्रमचय संचय जिसको बोलते हैं, कि भाई आगे जो हम देखने वाले हैं कि ये भी इसके साथ जा सकता है। मान लो, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा लेते हैं, एक सारणी बनानी है मेरे को, वो मैं बना देता हूँ और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या किया, दोनों सारणियाँ बना दी। मान लो ये वाला जो भाग है आपको मिल रहा है, जो पिताजी वाला तरफ है, ये जो मिल रहा है आपको ये माताजी वाला तरफ है, मतलब फीमेल पार्ट से है। यही सारे के सारे युग्मक जो हैं माताजी वाली तरफ से भी मिल रहे हैं आपको F1PD में, और यही सारे के सारे युग्मक जो हैं आपको पिताजी वाली तरफ से भी मिल रहे हैं F2PD में। तो अब इनके कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो गए, देखना कैसे। पहला कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, बड़ा आर बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर ये और ये मिलके, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ छोटा वाई है तो छोटा वाई है। यहाँ फिर अगर आप देखोगे तो बड़ा आर छोटा आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। आप एक काम करो, आप भी कॉपी में मेरे साथ साथ में ही करते जाओ, तो आपको और बहुत अच्छे से ये जो चीज़ें हैं समझ में आएंगी, ठीक है। फिर नीचे भी आप देखो, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये और ये इन दोनों को जोड़ करके देख रहे हैं अपन। और क्या बनेगा अपने पास में, कैपिटल आर बनेगा स्मॉल आर बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ देखो अगर आप छोटा आर बड़ा आर, तो बड़ा आर छोटा आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ आप देखो इन दोनों को देख रहे हैं अपन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये भी कैसा है कैपिटल वाई है। यहाँ पे यहाँ देखोगे आप तो कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन बड़ा वाई छोटा वाई, यहाँ से आ गया बड़ा वाई, यहाँ से आ गया छोटा वाई। फिर यहाँ और यहाँ देखोगे तो ये आएगा आपके पास कैपिटल आर, सॉरी दोनों आर छोटे हैं लेकिन दोनों वाई बड़े हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो दोनों आर छोटे हैं, एक वाई जो है बड़ा है और एक वाई यहाँ से छोटा है। आखिरी लाइन, आप बोलोगे सर हो क्या रहा है, क्या बजर निकाल में पड़े हो मतलब आप, तो देखो 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 अभी आएगा समझ में कि यहाँ क्या होगा, कैपिटल आर और छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, यहाँ क्या होगा बड़ा आर छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई, यहाँ क्या होगा छोटा आर बड़ा वाई और छोटा वाई, यहाँ क्या होगा छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई। देखो मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूँ, मेंडल ये जानना चाह रहा है कि परिवर्तन कैसे आए, परिवर्तन आया कैसे। जैसे मान लो आज से सालों पहले, मैं उदाहरण दे रहा हूँ एक केवल, मान लो चलो जो गोभी है वो किसी एक तरह की होती है, लेकिन काफ़ी सालों बाद क्या हुआ, गोभी ज़्यादा तरह की हो गई, अलग अलग वेरिएशन अपने को गोभी में देखने को मिल गए। तो वो गुणधर्म जो है ना वो आगे जा कैसे रहे, तो मेंडल जब एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है तो उसको नए नए गुणधर्म मिल रहे हैं। देखो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो सबसे पहले इसको देख करके मैं लिखता हूँ। तो ये बड़ा आर तो है गोल के लिए, लेकिन बड़ा वाई है पीले के लिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैसे बीज हैं गोल हैं लेकिन कैसे हैं पीले हैं, ठीक है। अब रुको मैं एक बार पहले अपन याद कर लेते हैं कि अपने शुरू शुरू में जो माता पिता लिए थे उनमें क्या गुणधर्म थे। तो अगर वो आपको याद है तो हमने लिए थे बड़ा आर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार के लिए, बड़ा आर छोटा वाई और छोटा आर बड़ा वाई, ये तो थे गोल और हरे, और ये थे झुर्रीदार और पीले। तो देखो आप ध्यान दो, गोल और पीले बीज तो हमने थे ही नहीं हमारे पास कभी भी। माता जो दादा दादी हैं मान लो यहाँ पर, ये तो F2 जनरेशन मिल रही है अपने को, ये वाली इससे पहले वाली F1 है, और उससे भी पहले वाले दादा दादी हैं, तो दादा दादी में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो नया ही कुछ मिल गया अपने को यहाँ पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी अपने को कुछ नया मिला है, क्या क्या अपने को और वेरिएशन मिले हैं देखो। जैसे एक अपने को इस तरह का भी कुछ मिला है, क्या ये पहले था अपने पास, हाँ ये तो पहले था यार, ये तो पहले था। अच्छा कौन सा था लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, क्या है बड़ा आर तो है गोल के लिए और पीले है, लेकिन ये कैसा था हरा, तो ये तो चलो हाँ पहले भी था मैंने मान लिया, लेकिन हमें और भी वेरिएशन मिला है, हमें ये भी मिला है, चलो खैर ये भी पहले है हमारे पास में। यहाँ देखो आप क्या है हमारे पास, ये वाला झुर्रीदार, ठीक है, और झुर्रीदार में भी कैसा है ये वाला दिखने में, हमें पीला। और साथ ही साथ एक और हमें यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिल रहा है जो कि हमारे पास पहले नहीं था। देखो यहाँ पे ये वाला झुर्रीदार है लेकिन छोटा वाई है, इसका मतलब क्या है,
ये है हरा, छोटा वा क्या है हरा के लिए यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में जुर्रीदार हरा। आई बात समझ में, इतने वेरिएशन मिल गए। और उसमें भी ये तो अगर हम बात करें तो ये क्या है केवल और केवल फिनोटाइप, क्या है फिनोटाइप देख रहे हैं अपन। यहां पर हमारे लिए जीनोटाइप को देखना और मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। तो देखो यहां पर इसको अगर हम देखें गोल पीले, तो गोल मतलब बड़ा आर वाला एक, ये भी है दो, ये भी है तीन, ये भी है चार, ये चारों गोल पीले। क्यों? क्योंकि बड़ा आर अगर एक भी है, क्योंकि वो प्रभावी लक्षण है तो वो गोल कर देगा। अगर बड़ा वाय अगर एक भी है तो क्योंकि वो प्रभावी लक्षण है वो उसको पीला कर देगा। तो चार तो ये हो गए, पांच ये हो गया, छह ये हो गया, सात ये हो गया हमारे पास में, और आठ ये हो गया हमारे पास में, और नौ ये हो गया हमारे पास में। ये नहीं है बाकी, नौ कैसे हैं हमारे पास में गोल पीले, गोल हरे कितने हैं? तो ये तो ऊपर वाले चारों चले गए थे, ये भी चला गया था, है ना, ये तो पांचों चले ही गए शुरू वाले। गोल हरे, तो गोल तो ये है हरा छोटा वाय है एक, एक ये रहा, मैं हरे है ना तो हरे से टिक करता जाता हूँ, एक दो, और उसके अलावा हमारे पास है ये रहा तीन। बड़ा आर है और छोटे वाय हैं दोनों, बड़ा आर अगर एक भी है तो वो गोल कर देगा, और दोनों अगर छोटे वाय हैं तो ही हरा कलर होगा। अगर दोनों में से एक छोटा वाय है ना तो कलर हला नहीं होगा, पीला हो जाएगा, एक भी बड़ा वाय आते ही उस कलर को पीला कर देगा। ये तो आप मुझे उम्मीद समझ रहे हो। तो ये तो कितने आ गए हमारे पास में, तीन हो गए। अच्छा, और ये इस टू के निशान लगा दो आप इस पे, बीच में आप इनको एक ही लाइन में लिख देना, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने गोल पीला, गोल हरा, जुड़ीदार पीला ऐसे लिखा है, आप तो सीधे लिख देना। फिर हमारे पास में क्या मिल रहा है, जैसे इसको नहीं गिना हमने, ये गिन लिया इसको हमने, इसको इसमें गिन चुके हैं हम लोग, ठीक है, ये भी हो गया सारे, ये भी हो गया है, इसको नहीं गिना अभी तक अपन ने, या ये भी गिन चुके हैं अपन, बड़ा और बड़ा वाय तो इसमें चला गया होगा, ठीक है, ये वाला नहीं गिना ना फिर अपन ने। ये कौन सा है देखो यहाँ पे, इस पर अपन गोला बनाते हुए चलते हैं। ये है रंग, है कौन सा रंग, तो है पीला, लेकिन छोटे आर का मतलब क्या है झुर्री वाला, तो ये झुर्री वाला पीला, ये क्या है झुर्री वाला पीला, ये भी क्योंकि एक बड़ा वाय है यहाँ पर, और ये भी कैसा है झुर्री वाला पीला। तो झुर्री वाले पीले देखो हमारे पास कितने आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, और एक बच रहा है बस, तो एक तो हमारे पास यही बच रहा है फिर, झुर्री वाला हरा, तो झुर्री वाला हरा कितना है हमारे पास में, एक। तो यहाँ पर हमें रेशो कितना देखने को मिल रहा है, देखो 9:3:3:1, कौन सा अनुपात है ये वाला, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब बाहर से दिखने में कैसा है। जीनोटाइप हमसे कोई भी द्विसंकर के लिए F2 पीढ़ी के लिए नहीं पूछता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में, इसको लिखने में ही हमारा दिमाग का दही हो जाएगा। तो बस आपको क्या समझना है यहाँ पे, टोटल कितना हो रहा है 9, 3, 3, 1, तो ये कितना हो रहा है 16। तो अगर टोटल आपके पास 16 अगर मान लो दाने हैं, तो क्या संभावना होगी कि उनमें से 9 दाने ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं, 1 ऐसा है। अब इस अनुपात में मान लो आपके पास 2000 दाने हैं, तो 2000 में से उसका जो नवा भाग है, या मतलब नवा भाग नहीं, इसको ऐसे निकालते हैं, अगर मान लो जैसे मान लो 100 दाने हैं आपके पास में, तो 100 गुणा में आ जाएगा 9/16, और ये कितना होगा अगर इसको हम हल करें तो, या चलो मैं एक काम करता हूँ इसको आसान कर देता हूँ, 16 × 5 कितना होता है हमारे पास में, 16 × 4 = 64 होता है, और 16 × 5 यार गणित कमजोर हो गई थोड़ा सा, 80 होता है, तो 5 यहाँ लिख दिया मान लो, तो 5 × 9 = 45। तो उन 80 दानों में से 45 दाने ऐसे होंगे, उन 80 दानों में से जो है यहाँ पर 3 लगा देना है आपको, मान लो 3 × 15 दाने ऐसे होंगे, 15 यहाँ ऐसे होंगे, और जो बचा वो ऐसे होंगे। आई बात समझ में आपको ये वाली? तो ये मेंडल के प्रयोग हमें समझाते हैं, और ये नियम जो है हम जो भी लैंगिक जनन कर रहे हैं गुणसूत्रों से उनमें लगा सकते हैं, क्योंकि कल हम इसी नियम को देखेंगे कि जो है हमारे शरीर में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, यानी सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, कि हम लड़के बनते हैं या हम लड़की बनते हैं वो कैसे पता चलता है। तो ये वाली बात जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए मैं बस आपको ये कहूँगा कि ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, अगर और अगर आपने पुराने वीडियोस इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो दिक्कत करेगा, तो
तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं पुराने वीडियोस तो जाकर के प्लीज़ देखो। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख करके दिखाओ, हम तक अपनी बात को पहुंचाओ, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।